जब भी बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात होती है तो रमेश सिप्पी की फिल्म शोले का जिक्र जरूर होता है। इतने सालों में कितने ही डायरेक्टरों ने इस फिल्म के जादू को रिक्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन 70 के दशक में बनी इस फिल्म का मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया। फिल्म के बेहतरीन डायलॉग से लेकर फिल्म में शानदार गीतों तक, प्यार, दोस्ती, एक्शन, ड्रामा, इस फिल्म में सब कुछ था। शायद इसी वजह से इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। लेकिन इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि फिल्म के हिट होने के पीछे इस फिल्म के सभी कलाकारों का भी बराबर हाथ है। उनकी बेहतरीन अदाकारी ने फिल्म को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। हालांकि ये फिल्म 70 के दशक में रिलीज हुई थी, लेकिन शायद ही कोई फिल्मों का दीवाना ऐसा होगा जिसने ये फिल्म नहीं देखी होगी। शोले में दो रियल लाइफ कपल के रोमांस को अलग अलग तरीके से दिखाया गया था। एक धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी तो दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की जोड़ी। यूं तो आज बिग बी उर्फ अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह हैं और धर्मेंद्र के आज भी लाखों फैंस हैं। लेकिन जब शोले रिलीज हुई थी उस वक्त धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। उनके नाम से फिल्में हिट हो जाया करती थी। एक तरफ तो जहां फिल्मों में बसंती का किरदार धर्मेंद्र की रियल लाइफ पार्टनर हेमा मालिनी ने बखूबी निभाया, तो वहीं दूसरी तरफ कोई और एक्ट्रेस भी थी जो धर्मेंद्र के ऑपोजिट बसंती का किरदार निभाना चाहती थी, और वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि खुद जया बच्चन थी। इस बात का खुलासा खुद जया बच्चन ने ही किया था कि वो शोले में बसंती का किरदार निभाना चाहती थी। जया ने हेमा मालिनी के सामने कहा कि उन्हें बसंती का रोल निभाना था क्योंकि वो धर्मेंद्र से प्यार करती थी। इतना ही नहीं, जया ने अपनी पहली फिल्म गुड्डी से जुड़ी यादें ताजा की, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के साथ स्क्रीन शेयर की थी। धर्मेंद्र के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए जया ने बताया कि जब वो पहली बार धर्मेंद्र से मिली थी तब वहाँ एक सोफा था। मैं इतनी नर्वस थी कि उस सोफे के पीछे छुप गई थी। मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मेरे सामने एक हैंडसम आदमी खड़ा हुआ था। उन्होंने सफेद पैंट और जूते पहने थे और किसी ग्रीक गॉड की तरह लग रहे थे। जया की इन प्यारी बातों को सुनकर खुद हेमा मालिनी भी मुस्कुरा उठी।